हमीरपुर शहर से सुजानपुर अवाधेवी जाने के लिए आईपीएच विभाग के पास बनाए गए बस स्टॉप को बदलने पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने आवाज उठाई है। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पदाधिकारियों ने डीएसपी रेणु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द बदले गए बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने की मांग की है। हमीरपुर शहर के सुजानपुर अवाधेवी जाने के लिए आईपीएच विभाग के पास बनाए गए बस स्टॉप को बदलने पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने आवाज उठाई है। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पदाधिकारियों ने डीएसपी रेणु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द बदले गए बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने की मांग की है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा, महासचिव मनोहर लाल कानगो, युद्धवीर सिंह पठानिया, प्रेस सचिव जसवीर कुमार मौजूद रहे। साथ ही संगठन सदस्यों ने सड़क मार्ग पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाने के लिए भी पुलिस विभाग से निवेदन किया, ताकि लोगों को सड़क पार करने के लिए दिक्कतों का निदान हो सके। आपको बता दें कि कुछ माह पहले सुजानपुर मार्ग पर आईपीएच विभाग के पास बस स्टॉप को बदलकर करीब 200 मीटर दूरी पर ट्राला स्टैंड के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, जिस कारण अब लोगों को बाजार से सामान हाथों में लेकर चढ़ाई चढ़कर बस स्टॉप तक पहुंचना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को पेश आ रही हैं, जिसके चलते ही दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पास लोगों की शिकायतें आई थी। संगठन की मांग पर डीएसपी रेणु शर्मा ने भी जल्द ही इस समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर हल करने का आश्वासन दिया है। संगठन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने के लिए डीएसपी से गुहार लगाई गई, ताकि लोगों को पेश आ रही समस्या का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाने के लिए भी संगठन ने पुलिस विभाग से मांग की है। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक डेलीगेशन जो है आज माननीय जो हमीरपुर में आज पुलिस उप अधीक्षक हमीरपुर से मिला श्रीमती रेणु शर्मा जी से, और इसमें बहुत से मुद्दे थे ट्रैफिक नियमावली को लेकर। तो हम लोगों ने जो है वो काफ़ी उनसे उन मुद्दों के ऊपर बातचीत की। जैसे कि मुख्य मुद्दा था हमीरपुर में जो बस स्टॉप है सुजानपुर के लिए जो बसें जाती हैं, या फिर जो अवाधेवी साइड की जो बसें जाती हैं, वो उनका बस स्टॉप का मुद्दा था। बहुत दिनों से हमारे पास शिकायत आ रही थी, लोगों की परेशानी थी कि उनको बहुत ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसको लेकर एक सकारात्मक बात हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको कोशिश किया जाएगा कि आईपीएच के जो ऑफिस है उसके सामने कहीं पे बस स्टॉप बनाया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। क्योंकि बूढ़े बच्चे और जो महिलाएं हैं वो बाज़ार से आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, उनके पास सामान ज़्यादा होता है, तो अगर बस लेने के लिए उनको इतना ऊपर जाना पड़े तो उनके लिए सही में एक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही विमेन जो हमीरपुर में जो रोड क्रॉसिंग को लेकर था बहुत ज़्यादा, जैसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाते हैं, बीच में मुख्य मार्ग आता है, तो लोगों को भारी परेशानी होती है ट्रैफिक के कारण, उनको रोड क्रॉस करने में बहुत परेशानी होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर हम लोगों ने मामला उठाया, और काफ़ी जगहों पर हमने जो है वो बताया कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग की जाती है। तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो की जाएगी।